मुख्तसर उनका आज़ाद जिक्र किया है।
तर्जमा के माना आला और फिर उनके मुआवजा होने के बारे में कुरान ने बताया कि वो नापरवाही करते रहे, अल्लाह ने पकड़ लिया। उसके बाद तंबीह के तौर पर पढ़ना है, फकैफ काना अज़ाबी व नुज़ुर, ये हमारा धमकाना और हमारा अज़ाब कैसा रहा, देखा तुमने कौमों का हाल को कैसे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब इससे बचने का रास्ता क्या है? वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कुरान करीम की तालीमात जिंदगियों में आ जाए, अल्लाह के अहकाम आ जाए तो अज़ाब से बच भी सकते हैं और अल्लाह की नेमतों से इस्तेफादा और उसके शुक्र की बजा हुई में मजीद इनामात हासिल भी कर सकते हैं। इसलिए वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर को कई बार दबा लाए, जब कोई कौम का अज़ाब और अंजाम जिक्र किया फौरन ताली और तंबीह के लिए लाए, पकड़ पकाना अज़ाबी और नुज़ूर जगह जगह लाए। ये जो सूरत है इसमें अल्लाह ताला ने अज़ाब के मुकाबले में नेमतों का तज़किरा फरमाया है, नेमा आए ज़ाहिरी और नेमा आए बातिनी, बातिनी नेमतें और ज़ाहिरी नेमतें। इनमें भी बातिनी जो है बड़ी अहम है, इसलिए उनको मुकदम कर दिया है और ज़ाहिरी का बाद में लंबा तज़किरा किया है क्योंकि वो निगाहों के सामने होगी। फिर अजीब बात यह है कि इसमें 21 मरतबा एक ही लफ्ज दोहराया है, एक ही आयत को 21 मरतबा दोहराया है, तो जिन्नात और इंसान के गिरोह ये सब नेमतें तुम्हारे सामने फैली हुई है, किन किन नेमतों का तुम इंकार करोगे और कब तक नाशुक्रिया करोगे? तो एक नेमत थी उसके मुकाबले में याद दिलाया, फिर एक नेमत थी, फिर कभी अल्लाह रब्बे कुमा तो कर दिमा, ये तकरार और ये तकनीक बराए ताकीद है। इसको जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब के लफ्ज के साथ ताकीद किया है। शुआरा के यहां उनको तकरार मिलती है लेकिन बेमाना तकरार होती है, बात को लंबा करते हैं और बात में कोई वजन भी नहीं होता लेकिन बस उसे आलाप दे जाते हैं। एक बवाल था, उसने शुरू किया था नमी दानम नमी दानम नमी दानम, यानी मैं नहीं जानता, हर आधे लीटर के बाद नमी दानम कहता था, नमी दानम नमी दानम। फिर शराब याद की बैठा, उसने दो चार टोटके लगाए उसको कि जो तू नहीं जानता उसको तू क्या बोलता है, जो जानता है उसकी बात कर। तो उनकी तकरार बेफायदा हो सकती है लेकिन जो अरब के मुसल्लम शुआरा हैं उनके अशआर में कभी तकरार रही है और ये तकरार इम्तिज़ाज का सबब रही है, इससे जो है मंजूम कलाम में एक लज़्ज़त पैदा हो जाती है। चुनांचे एक मौके पर अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेर पढ़ रहे थे सहाबा, वल्लाहि लौलल्लाहु मक्तदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फ़ानज़िलन सकीनतन अलैना वसब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना इन्नल उला क़द बग़ौ अलैना वैदा अरादु फितनतन अबैना। तो जब अबैना पर पहुंचते थे तो तकरार करते थे जुमले की, बार बार जो है वो सरकार भी तकरार में शामिल होते थे, मालूम हुआ कि ये इल्तिज़ाज का सबब है। यह हदीस से एक नुक्ता पेश किया, शायद रुकुल मानी जो कि ये बता अल्लामा सैयद महमूद आलम की रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर
मुसलमान पुराना के कुछ अच्छा नकल किए हैं जिनमें तकरार है। बहरहाल ये तकरार कोई एतराज नहीं कर सकता कि क्या एक ही चीज को बार बार भाई फसाहत का तकाजा ये है कि एक बार एक चीज लाए फिर कभी ना लाए। सौबानी इतना भाई बहुत बड़ा मुकद्दर था, हजरत अकील माफिया रजी अल्लाह ताला हो कि कहने पर उसको तकरीर के लिए खड़ा किया गया। जोहर से लेकर असर तक उसने तकरीर की, न सांस लिया, न रुका, न सोचा, न खांसा, न कोई लफ्ज मुकर्रर लाया। तो अमीर माविया ने कहा कि अंदाज का बुलाड़, तू तो भाई अरब का बहुत बड़ा खतीब है। तो उसने चलते चलते कहा कि बस आजम हजम ने भी ऐसा खतीब नहीं पाया जा सकता। तो अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये भी उम्मत ने एक नमूना है, कैसे कैसे लोग उम्मत के अंदर पैदा हुए हैं, कैसी कैसी खूबी और कैसे कैसे कमाल के लोग हैं। हारून रशीद के दरबार में किसी यहूदी ने एतराज किया था कि कुरान करीम में तकरार है, तकरार शान प्रसाद के खिलाफ है। एक मुफस्सिर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कान में भी तकरार, आंखों में भी तकरार, फोटो में भी तकरार, उंगलियों में भी तकरार, हर जगह तकरार है, जो क्या सब काट के फेंक देंगे। मालूम हुआ हर कान अपनी जगह एक काम कर रहा है, हर आंख का अपना एक फायदा है, जिसके अंदर भी तकरार है, फेफड़े दो हैं, दिल के हिस्से दो हैं, गुर्दे दो हैं, तो बेफायदा तो नहीं है तकरार, सब अपनी जगह जगह फायदा 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 ही फायदा है। तो अल्लाह के कलाम में ये तकरार ये ताकीद के लिए है, कोई एक नेमत का तज़किरा करके उसके मुकाबले में लाते हैं, पर ये क्या अल्लाह रब्बे तुमा तो कर दिमाग, तो वो नई नेमत के मुकाबले में होता है, सुनाई की हुई उसे कदीम नहीं कह सकते। खैर आप हज़रात को तो इंशाल्लाह ऐसा कोई एतराज होगा नहीं, और अगर हो भी जाए तो उसका जवाब हो गया है। ये बड़ी अजीब और गरीब सूरत मुकद्दसा रही है, और उम्मत ने इसके पढ़ने का बड़ा चलन रहा है, जैसे दुल्हन सजाई जाती है अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से सजाया है। सूरत रहमान एक सही हुई सूरत, मजामीन के एतबार से भी और जाहिर के एतबार से। अक्सर लोग कारी अब्दुल बासित मरहूम की सूरत रहमान बराबर सुनते हैं, और वो एक अजीब अंदाज के साथ पढ़ते भी। दूसरे भी बड़े बड़े मिस्र के कुर्रा इस सूरत को जो है तरजीह देते हैं और अपनी तिलावत का हिस्सा बनाते हैं, और पढ़ने के खास उसलूब अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया है उसमें पढ़ते हैं। अब ये सूरतुर रहमान को शुरू फरमाया है तो लफ्ज रहमान से किया है, एक अजीब अंदाज के साथ जो है इस सूरत को शुरू फरमाया रहमान। मुफस्सिरीन की राय यह है कि अरब वाले रहमान से वाकिफ नहीं थे, वो कहा करते थे उमर रहमान, रहमान क्या चीज है, अल्लाह ने वाकिफ कराने के लिए फरमाया ये रहमान है जो नेमतों का अता फरमाने वाला, जाहिरी और बातिनी तरह तरह की नेमतें देने वाले, वो रहमान है। और इसमें भी अजीब बात यह है, लफ्ज रहमान में शान रहमत है, शान रहमत, जितनी नेमतें अल्लाह ताला दे रहे हैं ये कोई बंदों ने उसके ऊपर लाजिम नहीं किया, अल्लाह की शान रहमत है वो दे रहे हैं। वो देना तो कोई इसरार नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई यूं नहीं कर सकता कि ये क्यों नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया, ये तो कर्म है कि अल्लाह अपनी तरफ से बंदों को नवाजना चाहते हैं और देते हैं। इसलिए इशारा किया कि तुम्हारा वजूद ये मेरी रहमत का नतीजा है, ये कायनात का वजूद मेरी रहमतों का नतीजा है, ये समंदरों का बहना मेरी रहमत का नतीजा है, ये हवाओं का चलना मेरी रहमत का नतीजा है, ये बुलबुल का चहचहाना मेरी रहमत का नतीजा है,
ये परिंदों का उड़ना ये मेरी रहमत का नतीजा है, ये तुम्हारा कलाम करना ये मेरी रहमत का नतीजा है, ये फूलों की खुशबू मेरे रहमत का नतीजा है, ये फलों में मिठास मेरी रहमत का नतीजा है, ये जमीनों से दरख्तों का उगाना मेरी रहमत का नतीजा है। बरसों तक बगैर ग्रीटिंग के, बगैर किसी सर्विस के आफ्ताब और महताब और सितारों का चटकना और रोशनियां देना, ये दर हकीकत मेरी रहमत का नतीजा है। ये है अल्लाह की रहमत। ये पूरी नेमतों का एक एक करके गिन गिन के अल्लाह ने तस्करा फरमाया, लेकिन अजीब बात यह है कि शुरू फरमाए तो बड़े अजीब तरीके से फरमाए और रहमान, उसके फौरन बाद फरमाया अल्लामा कुरान। हमारे हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ा इस पर जाने कलाम करते थे, क्या इंसान अल्लाह का कुरान वो कितना रहमान, कितना दिया है तुझे इनाम और कितने हैं तेरे ऊपर उसके एहसान, वो मुरत्तब कलाम फरमाए। जैसे कि कोई हाफिज़े कुरान करीम को दुआ देते थे तो यूं कहते थे, अल्लाह तुझे हाफिज बना दे, तुझे आलिम बना दे, तुझे हामिल बना दे, तुझे दाई बना दे, तुझे नाशिर कुरान बना दे, तुझे हामिल कुरान बना दे, तुझे आलिम कुरान बना दे। ये सब एक साथ दुआएं देते तो फरमाया रहमान, रहमान की जात वो है जिसने सिखाया कुरान। अब नेमतें तो बहुत सी, इनका तज़किरा खुद सूरतुर रहमान में है, लेकिन आगे इंसान की तकलीफ का तज़किरा करने से पहले कुरान का तज़किरा किया कि कुरान बहुत बड़ी नेमत है। वो सब दुनियावी नेमतें हैं और ये बातिनी नेमत है, आपको जन्नत तक पहुंचाने वाली नेमत है, ये बड़ी नेमत। तो कुरान की अज़मत बयान करने के लिए तकलीर है इंसान से पहले तकलीर से कुरान का तज़किरा है। और फरमाया अल्लामा कुरान, सिखाया, इसको सिखाया। ज्यादातर वो फस्तरीन कहते हैं वही की रोशनी में सरकार को सिखाया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अथहर पर आया, वही कितने तरीकों से आई वो फस्तरीन नकल करते हैं, कई तरीके हैं जिनसे वही आती थी। इन तरीकों से ये कुरान करीम तुम्हें दिया गया है और सरकार को सिखाया और आपकी जबान से सहाबा ने सुना, फिर उन्होंने दूसरों को सुनाया, का आ के हम तक अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक एक हक पहुंचा। कुरान करीम को इतनी बड़ी नेमत क्यों करा दिया? कहो इंसान की तकलीफ का और इसके दुनिया में भेजे जाने का मकसद है इबादत, और फिर इबादतों के नतीजे में अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह की रजामंदी के नतीजे में जन्नत। जन्नत अल्लाह की रजामंदी का मकाम और जहन्नम अल्लाह की नाराजगी का मकाम। जन्नत में कोई भी नेमत जिसका तसव्वुर कर सकते हैं वो मौजूद है, बल्कि उससे बहुत बालातर है, हदीस कुदसी है, आदत तो इबादियत सालिहीन मा ला अयुन रा वला उज़ुन समिया वला क़दर अला क़ल्बि बशर। मैंने अपने नेक बंदों के लिए जो नेमतें जन्नत ने तैयार करके रखी हैं वो किसी ने देखी नहीं, किसी आंख ने नहीं देखी। अब दुनिया में आदमी कितना घूमता है, कहां कहां जाता है, क्या क्या देखता है, तरह तरह के बेमिसाल मनाजिर देखता है, लाजवाब मनाजिर देखता है, लाजवाब चीजें और खूबसूरतियां देखता है। ये सब खूबसूरतियों से बालातर है जन्नत की खूबसूरती। वला उज़ुनुन समियत, हम लोग कोई इससे कहानियों के अंदर तरह तरह की ताज्जुला की बातें सुनते हैं। फरमाया ये वहम और गुमान और तख
तहज्जुद से बहुत बारह तक क्या आपने नहीं सुनी होगी, ऐसी नेमत है अल्लाह ताला ने जन्नत पर। और तीसरी चीज फरमाई वलाफतर अला कल्ब बशर, किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल भी होकर नहीं गुजरा, ऐसी नेमत है अल्लाह ने जन्नत में तैयार करके अपने नेक बंदों के वास्ते रख दी। इसलिए दुनिया में जितने भी बेहतरीन मकान होंगे उनके साथ प्रोजेक्ट लगाओ कोई, और जो खरीदेगा उसको भी जो है सबसे पहले वो इधर उधर घर में चक्कर काट के टॉयलेट और वॉशरूम देखने जाएगा। भाई तुझे इसमें तो नहीं रहना है, वरना रहना तो नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जाना तो है। इससे तो कोई मुस्तस्ना है नहीं, जाना तो पड़े। तो इतना शानदार मकान बनाया है तो क्या है, अब कभी दुनिया में शानदार से शानदार मकान किसी को आपने हदिया दे दिया कम उम्मीद है, लेकिन अगर दे दिया सोच लिया कि मैंने जो है मैं बिल्कुल आपका फरिश्ता और आप पर इतना आशिक हो गया कि लीजिए नहीं मकान की जाती आप रही। और कंडीशन में खाली ये एक बात कही, दो जिन्ना तो वहां रहते हैं उससे कि आप रहना फ्री में भी आप नहीं जाएगा। परेशानियों वाली जगह किसी भी फ्री आ जाए हमको नहीं होना, हमको नहीं चाहिए। तो हालात दुनिया में जो जितने भी आप मकान देते हैं उससे आज तक मैंने कोई मकान कंप्लीट नहीं देखा, कोई ना कोई जो है उसके अंदर ऐब रहेगा, कुछ नहीं होगा तो न छपकेगा कुछ भी हो। लेकिन बनिष्ठा जाए नबाशत कशेरा बाशेरा रहे नबाशत, लेकिन जन्नत की नेमतों का आलम यह है कि वहां सबसे पहले तो ये एक गंदी जगह है टॉयलेट, उसको निकालिए। बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म से भी वो इलाका जिससे पाखाना बराबर होता है उसको खत्म कर। तो भाई खाना हजम होने के बाद क्या होगा, फरमाया एक पसीना आएगा पेशानी पर और खाना हजम हो जाएगा, और ये पसीना इस कदर खुशबूदार होगा कि दुनिया में कोई खुशबू उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो ये जन्नत का मकाम, इसलिए जन्नत में जितनी भी राहतें हैं वो तमाम का मकाम जन्नत है, और जितनी भी तकलीफों का तसव्वुर हो सकता है वो सब जहन्नम में। अल्लाह जिनसे राजी होंगे उनको नेमतों वाला मकाम देंगे, और जिनसे नाराज होंगे तो उनके लिए वो सदा वाला मकाम है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का कुरान, हमने इंसान को और सबसे पहले इंसान कामिल बल्कि कामिल तरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम सिखाया, और उनके वास्ते से सबने पढ़ा और सीखा, और इसमें अहकाम हैं जो सरकार ने खुद अमल पैरा होकर बताए, और यूं कहा जिस तरह से तुम्हें अहकाम पर अमल करना है, क्योंकि जब तक बताए नहीं वहां तक समझ में नहीं आ सकता। नबी मुअल्लिम बन के आते हैं और मुकम्मल तालीम देते हैं और अहकाम सिखाते हैं, और सिखाने के बाद कहते हैं कि इस तरह से अमल करो जिस तरह से कि मुझे देखते हो अमल करते हुए, जिस तरह से तुम्हें करना है मैं मुकम्मल नमूना बन कर आया हूं तुम्हारे लिए। अब जाहिरी बात है कि कुरान करीम ने तरीका इबादत सिखाया, नमाज कैसी पढ़ी जाए कुरान में आ गया, सलाम जकात कैसे दी जाए कुरान में आ गया, तू जकात लेकिन इसकी तफसील करना है बदल कैसे वन गलना ये जल्दी करा ले तो वही ना ली ना के मानू से नहीं गई है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ये जिक्र यानी कुरान करीम उतारा है आप पर, ताकि जो उतारा गया है उसकी तवीन और उसकी तशरीह और उसकी वजाहत अमल के साथ लोगों के सामने आए, अमली तौर पर आप करके दिखाएं। जैसे आपने मिंबर पर खड़े होकर नमाज पढ़ी और यूं पढ़ना सल्लु कमा रअयतु मुनी उसल्ली, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हो रुकू सुजूद
देना वो खून किसका? तो कुरान करीम ये अहकाम लेकर आया और वो अहकाम पर सरकार ने अमल करके बताया और फिर फरमाया कि इस राह पर तुम्हें चलना है। तो कुरान करीम जन्नत का जरिया हुआ कि नहीं? और जन्नत हमेशा की नेमत है और दाइमी नेमत है, और दाइमी नेमत का ये जरिया है कुरान करीम। तो जाहिरी बात है कि बाकी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत वो है कि समझ बन जाए हमेशा की नेमत। इस बिना पर कुरान करीम का तस्करा करना है। बस कुरान करीम क्या कहा, इससे पूरी तालीम आ गई। और हदीसों में बड़ी वजाहत फरमाई, सैयरुन मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमा, तो उम्मत बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम का इल्म हासिल करे और दूसरों को सिखाए। तो ये और भी बड़े कमाल की बात है कि ये सिलसिला फैलता चला जाएगा, नफा होता चला जाएगा और इसका नफा जो है वो मुतासी होकर दायनी हो जाएगा। इसलिए जो कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो बेहतरीन लोग हैं, और इनका बेहतरीन होना खुद हदीस पाक में बयान फरमा दिया कि ये लोग बेहतरीन लोग हैं। लिहाजा कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर करनी चाहिए। जब कुरान अजीम है तो इसका पढ़ना अजीम है, इसका पढ़ने वाला अजीम है, तो फिर इसका पढ़ाने वाला भी अजीम है। इनकी दरसगाहें जो है वो भी अजीम है। जितनी नस्बतें इनके साथ लग जाएंगी वो सब नस्बतें ऊंची हो जाएंगी, क्योंकि असल चीज ऊंची है। तो इससे मंसूब जितनी भी चीजें हैं तमाम बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान करीम पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसकी तिलावत का अल्लाह ताला हमें जज्बा नसीब फरमाए, इसके पढ़ने पढ़ाने का शौक और शौक अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, और उलमा और खुद्दाम कुरान और हुफ्फाज़ कुरान करीम की अल्लाह ताला तमाम हकों हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमा दें खलकल इंसान, फिर हमने इंसान को पैदा किया। ये जितनी कायनात है वो तमाम के तमाम जो है बराए इंसान है, और जितनी मखलूकात है उन तमाम मखलूकात में अशरफ और आला मखलूक अगर कोई है तो वो इंसान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को पैदा किया और बराए कुरान पैदा किया, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के लिए पैदा किया, ताकि हमेशा की नेमतें और हमेशा की जन्नतें इसके जरिए से उस्तवार हो सके। अल्लाह ताला सब अमल करने की तौफीक। हमारे मोहल्ले में साजिद भाई की वालदा का इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआए मगफिरत फरमाए। घर से अजीब चल रही थी, अल्लाह ताला मरहूमा की बे इंतहा मगफिरत फरमाए। डॉक्टर यूसुफ पटेल साहब के लिए भी दुआ करना है, कुछ अली और बीमार चल रहे हैं। बड़ी लंबी खिदमत है और उलमा के साथ बड़ी वाबस्तगी, और उनकी दुआएं लेते रहे हैं। इनके लिए बेहद दुआ करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमाए। गुलाम हुसैन मुर्तजा साहब का इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआएं मगफिरत फरमाए। जहीर अहमद अंग्रेज का इंतकाल हुआ, उनके लिए दुआएं मगफिरत फरमाए। अमीना बीबी अब्दुल अजीज सैयद की तबीयत नाजुक है, जरा उनके लिए भी शिफा की दुआ की जाए। और हमारे एक्स कॉर्पोरेटर इकबाल मलिक साहब जो है वो बीमार हैं, एक लंबा ऑपरेशन उनका हुआ और 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत में, लेकिन आज उन्होंने दरख्वास्त की है आप हजरात से कि उनकी सेहत कामिला और शिफाए आजिला के वास्ते खासतौर से जो है दुआ की जाए। इस मौके पर हमारे बहुत बड़े करम फरमा और बुजुर्ग हजरत मौलाना जुबैर साहब रहमहुल्लाह ताला मरकज की जान थे और लिसान तबलीग थे, वो दुनिया से तशरीफ फरमा हो चुके जा चुके। अल्लाह ताला उनकी तमाम ही मताये जमीला को बे इंतहा शर्फ कबूलियत से मालामाल फरमाए।
और उनकी जिंदगी भर की दावती रहमतें और तब द्रव को अल्लाह अपने जिलों में बेहतरीन बदले अदा फरमाए, अपने शाया में शान उनकी मेहनतों का बदला दे और इन बुजुर्गों का महमूल बदल अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। इस मौके पर हम सब सोगवार हैं, हम सब जो है गमगीन हैं और इस खान वाले के गम में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला इन तमाम को सब्र जमील अता फरमाए और अजर जलील अता फरमाए और हम सबको इन बुजुर्गों के नुकूशे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हजरत मौलाना मोहम्मद अंजुम साहब अपने अहमदाबाद से तशरीफ लाए हैं अपने अपने के साथ। इन्होंने भी फरमाया कि इनके पड़ोस में कोई बुढ़िया हैं, वो इंतकाल फरमा गई, उनके लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला मरहूमा की बे इंतहा मगफिरत फरमाए, करवट करवट सुकून नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم افتح أبصار قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف أعدانا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما. اے رب العالمین ہمیں بج وقت نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت قرآن کریم کا شہدائی بنا دے، اے اللہ یہ باطنی نعمت کی ہر طرح سے ہمیں قدر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین قرآن کریم سے سچائی عطا فرما، ایک ایک حرف سے محبت عطا فرما. اے اللہ اس سے مکمل وابستگی نصیب فرما. جو ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما. اے رب العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر در شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا رضا بنا دے، اپنی رضا مندی والی زندگی نصیب فرما دے. جو بیمار ہیں اور جن کے لیے دعا کی درخواستیں نہیں ہیں اللہ تمام کو شفا کاملہ عطا فرما، اور جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے ہیں اللہ جنت الفردوس میں اعلی بالا مقام عطا فرما، اور جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھو جب وقت یہاں کے ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے رب العالمین اس پورے مریمے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منظور فرما. رحمتی کا یا ارحم الراحمین. الله
लेकिन इसकी तमहीद जो होती है वो कुरान करीम के जरिए से एक रूहानी माहौल पैदा करना होता है। चुनांचे हमारे हजरत शाह गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह कह रहे हमें शाह जो है कुरान करीम की आयात की तफसीर फरमाते, उसके बाद फौरन जो है मुराकबे की और जिक्र की मजलिस कायम करते थे। तो हम भी इत्तेबाअन जो है वो कुरान करीम से तबारुकन कुछ मजमून जिक्र करते हैं और उसके बाद जो है कुछ अल्लाह अल्लाह थोड़ी देर के लिए करते हैं ताकि उसका एक अच्छा असर जो कुरान करीम के अनुवाद का दिलों पर पड़ता है जिससे दिल मुनव्वर होते हैं, उसके बाद जो है जिक्रुल्लाह का एक अच्छा असर जो है वो मजीद मुरतब हो सके, इसलिए बाद में जो है वो जिक्र आएगा। इसलिए नफरतिया में जहर जिक्र है नहीं, लेकिन हजरत शेख शाह गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह तआला को खुसूसी इजाजत दी और फरमाया कि जिक्र कराया जाए, लिहाजा हजरत अपनी तमाम मजालिस में मुख्तलिफ लोगों से जिक्र करवाते थे और हजरत ने हमारे यहाँ भी ये सिलसिले को जारी फरमाया और उन्हीं के अनुवार और बरकत जो हैं लोग महसूस करते हैं और ये भी महसूस करते हैं कि दूसरी जगहों में जो मजालिस हों उसके मुकाबले में यहाँ का कुछ नौयत अलग और मुख्तलिफ होती है। हम समझते हैं कि हजरत की तवज्जोहात मरहूम की जो है उसी का ये एक असर है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग जिक्र करेंगे, ये जिक्र असर में क्योंकि हमारे मशायख सब सिलसिलों में बेहद होते हैं तो चिश्तिया का जिक्र भी थोड़ा सा लिया है ताकि सिलसिले का भी मतदा हो और दूसरी तरफ जो है वो मुराकबा जो असल ये इस्लाह का रास्ता है तरीका जो मुराकबे के रास्ते से तेज किस्म की इस्लाह जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं सिलसिले की बरकत है, किसी का इसमें कोई कमाल नहीं है, सिलसिले का फैज जो है वो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अब शेख का बीच में काम क्या होता है, ऐसा होता है जैसे वायर का काम होता है, वायर जो है वो बीच में सिर्फ स्विच से जुड़ता है और दूसरी तरफ जो है वो बल्ब से जुड़ता है, स्विच ऑन करो तो वायर जो है उसका सही वायर रहा हो बीच में से कटाना हो तो वो रोशन कर देता है बल्ब को। तो जैसे वायर की कोई इतनी अहम किरदार और भूमिका नहीं होती, इस तरह से शेर का तो असल काम नहीं होता, काम तो असल में ऊपर का सिलसिला जो चला आ रहा है उसका होता है और दूसरा काम करने वाला जो मेहनत कर रहा है अल्लाह ताला उसकी मेहनत पर उसको जो देना होता है वो देते हैं। तो अब से थोड़ी देर तक हम इंशाल्लाह ये जिक्र करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्लल्लाह का अल्लाह वल्लाह और अल्लाह अल्लाह ये थोड़े अस्कार के बाद इंशाल्लाह चार मिनटों के लिए पूरा सभा करेंगे। अल्लाह ताला ये बैठना कबूल करना दूर दराज के लोग हजरात तशरीफ लाए तो सिर्फ ये मकसद ले गया है अल्लाह ताला हमको भी उनका मुद्दा और मकसूद जो है वो नसीब करना। याद रखे यार तो Hey!
Allah.
نفلوں پر رکھنا ہو سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک کی لگاتار تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں اتر رہی ہے سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے لے کر تھوڑی دیر تک یہ تصور کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. Thank you.
जब मुराकबा कर रहे हैं वहां पर ये बात जरूर पूछना चाहिए कि आज कहा गया मैंने आंखें बंद कर दी है, दिन आएगा जब आंखों पर मेरा एहतियात, दिशा पर मेरा एहतियात खत्म हो जाएगा, लोग कशा कशा उठाकर ले जाएंगे, मनोटनों मिट्टी के नीचे दब जाना होगा। Okay.